नमस्कार दोस्तों, समस्याएं आपकी समाधान हमारा के YouTube चैनल में मैं जतिन सहगल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम निरंतर बात करते चले जा रहे हैं कि किस प्रकार सूर्य मिथुन राशि से निकल करके कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं 17 जुलाई सन, और ये इसी राशि में रहेंगे 17 अगस्त सन 2017 तक। तो विभिन्न राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा जब वो कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। अब मैं बात करने जा रहा हूं धनु राशि के लोगों के लिए। जिन भी लोगों की धनु राशि है, ऐसे लोगों के लिए सूर्य जो है उनके अष्टम स्थान में आ रहा है, जो कि बिल्कुल भी शुभ संकेत नहीं दे रहा। तो जिन भी लोगों की धनु राशि या धनु लग्न है, उनको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अष्टम स्थान में जब सूर्य महाराज आते हैं तो अपने नजदीकी रिलेटिव से कहीं ना कहीं दूरियां बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। इसके अलावा सूर्य जो कि सरकार का प्रतीक है, अष्टम में चला जाए, कुएं में चला जाए, तो ऐसे लोगों के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सरकार की तरफ से भी आ सकती है। अगर ऐसे लोगों को लग रहा है उन्होंने कोई भी किसी भी प्रकार की सरकार के साथ कोई चीटिंग करी है, तो हो सके अगर उसको पहले से क्लियर कर सकते हैं या ठीक कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। अदरवाइज पहले 10 दिन खास तौर से उनके लिए कष्टदायी हो सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बोला जो सूर्य का फल है वो 0 से 10 डिग्री तक बहुत प्रबल रहता है, यानी बहुत ज्यादा कष्टदायी रह सकता है। इसके अलावा जो बाकी दिन बचेंगे उसमें कहीं ना कहीं ठीक ठीक रिजल्ट मिलेंगे, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं, परंतु उसको भी संभाला जा सकता है, उसके लिए मैं अभी आपको उपाय बताऊंगा। इसके अलावा वास्तव में उनके भाग्य स्थान का मालिक बनता है धनु राशि या धनु लगन के लोगों के लिए, तो भाग्य स्थान का मालिक अपने से द्वादश हो गया और अष्टम में चला गया, तो कहीं ना कहीं उनको अपने भाग्य को प्राप्त करने के लिए कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, और यहां कहीं ना कहीं भाग्य पे ग्रहण भी लग सकता है, क्योंकि अपने से द्वादश आने से वो सूर्य उनको कष्ट दे सकता है। तो अगर उन्होंने कोई भी सरकार के साथ चीटिंग करी है तो उसको थोड़ा सा या सोच रहे हैं तो उसको आप अवॉइड कीजिए, अदरवाइज आपको बहुत कष्ट मिल सकता है अगर उनको लग रहा है। इसके अलावा क्योंकि उसकी सातवीं दृष्टि उनके जोड़े हुए धन की तरफ भी है, तो धन का भी कुछ नाश अवश्य हो सकता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि सातवीं दृष्टि से सूर्य उनके जोड़े हुए धन या उनके कुटुंब के प्रति कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत प्रदान कर सकता है। परंतु जैसा मैंने बोला, घबराने की कोई बात नहीं। जिन भी लोगों को ऐसा लग रहा है कि कुछ कष्ट इस सूर्य के गोचर की वजह से आ रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति सबसे पहले एक तो सूर्य को जल देना शुरू कर दें, यानी एक तांबे का लोटा लें, उसके अंदर थोड़ी चीनी चावल रूली डाल करके ओम घृणी सूर्य आदित्य या ओम सूर्य देवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को जल दें, ये उनको हेल्पफुल रहेगा। अगर सरकार के साथ कोई चीटिंग करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल ना करें, भूल के भी ना करें, अगर कर चुके हैं तो उसको थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करें तो उनके लिए हेल्प हो जाएगा। पिता या पिता तुल्य व्यक्तियों का बिल्कुल भी दिल ना दुखाएं, वो उनके लिए हेल्पफुल रहेगा, बल्कि उनकी मदद करेंगे तो उनका सूर्य और अच्छा होता चला जाएगा। इसके अलावा शुरू के 10 दिन वो लोग रेगुलर गेहूं गुड़िया घड़ी का दान किसी गरीब जरूरतमंद को करेंगे तो वो भी उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। इसके अलावा आप गायत्री मंत्र का रेगुलर जाप करेंगे तो भी वो सूर्य का जो अशुभ फल आपको आना है वो नहीं आएगा और धीरे धीरे शुभ फल में परिवर्तित होता चला जाएगा। बाकी मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं जतिन सहगल, समस्याएं आपकी समाधान हमारा YouTube चैनल। धन्यवाद।